আসসালামু আলাইকুম। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया खान। जहान टीवी अपना देसी रेडियो स्टेशन फ्रैंकफर्ट जर्मनी से, और आप लोग मुझे देखते हैं कराची पाकिस्तान से। आज 17 तारीख, 5वां महीना 2020, 23वीं सहरी में दाखिल हो चुके हैं हम। आज हमारी सहरी का टाइम कराची के हिसाब से 4:17 है। आज हमारे गेस्ट उसामा जाहिद हैं और पार्टिसिपेंट कैंडिडेट आज हमारी हैं अलीना शहजाद। अलीना शहजाद हमें ज्वाइन करेंगी और वेलकम करेंगे हम अलीना शहजाद को। उससे पहले आज आप लोगों के लिए नात का तोहफा लेके मैं आई हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। स्टार्ट लेते हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू बसरा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद आते हैं हमको वो शाम व सहर, वो सुकून। सॉरी, मैं ये जब भी नात पढ़ती हूँ मैं मदीने पहुँच जाती हूँ और मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रिपीट करती हूँ। याद आते हैं हमको वो शाम व सहर, वो सुकून दिलों जा वो रूहो नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता, एक कैफियते दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हाँ उसी दर पे अपनी जबी रह गई। सॉरी फॉर बीच में रुकने के लिए। और ये नात ऐसी है, इस नात को सुन के ज़ुल्फ़िकार अली साहब की मुझे मदीने की हाज़िरी नसीब हुई। सेम रमज़ान के महीने थे और रमज़ान अपनी सफ़र में था 2010 के, और सही टाइम पे मैं अक्सर ये वाली नात सुबह पीटी से ट्रांसमिशन में चल रही होती थी और मैं इस नात को तसव्वुर में लेके बोलती थी, पता नहीं हमारा बुलावा कब आएगा, हमें भी आपके घर की ज़्यारत होगी, आपके दर पे आना नसीब होगा या नहीं होगा। और मुझे नहीं पता था, वो कबूलियत की घड़ी थी और मेरी दुआ कबूल हुई। और 2010 के एंड में मुझे आपकी ज़्यारत नसीब हो गई और
अल्लाह ताला ने अपने घर के दीदार से भी नवाजा, उम्रे की शहादतें भी नसीब फरमाई और मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमाई और बेशुमार उम्रे और एक हज मेरी ज़िंदगी में नसीब हुआ मेरी फैमिली के साथ। इसलिए बोलते हैं, जब मांगो रब से, दिल से मांगो, कैफियत से मांगो। और अभी नात बीच में टूटने की वजह यही थी। इसके चंद अशार मेरे दिल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं जब मैं ये नात करती हूँ। मोस्टली ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस कैफियत में बंदा चला जाता है। और स्पेशली अल्लाह पाक से दुआ है इस रमज़ान करीम के सदक़े में बरकत से जुल्फ़िकार अली भाई की मग़फ़रत फरमाए। हम नाचीज़ इस काबिल नहीं हैं, और स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करूँ, क्योंकि नातख्वाँ हम नहीं बनाते। वो अल्लाह ताला की तरफ से, नबी करीम की तरफ से मोहर लग के दुनिया में भेजे जाते हैं। मैं नाचीज़ इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआ मांगूँ या उनके लिए इसारे सवाब की दुआ मांगूँ, लेकिन दुआ मांगना हमारा फ़र्ज़ है अपने प्यारों के लिए, और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मेरी दिली मोहब्बत है ज़ुल्फ़िकार अली भाई से, और अमजद साबरी भाई के साथ काफ़ी अटैचमेंट रही दोनों भाइयों के साथ। हर साल मेरे लास्ट जो मैं अपार्टमेंट में रहती थी, हमारे यहाँ वहाँ पे हर साल 2-3 मिलाद की महफिलें होती थी, और उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भाई आते थे, और मैं हमेशा उनको देख के, उनको मिल के, मेरे मुंह से निकलता था कि आपकी नाते सुन सुन के मैं, मुझे मदीने की ज़ियारत नसीब हुई। तो वो खुश होकर मेरे सर पे हाथ रख देते थे, बहुत खुश होते थे। पर्सनली भी बातचीत रही, जितने टाइम भी मिले, जितनी टाइम भी गुफ्तगू रही, बातचीत रही, बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया। 2 साल पहले मैंने अपने घर में मिलाद शरीफ रखी तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ। फिर उन्होंने मुझे डांटा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर अपने घर की महफिल क्यों रखी, मेरा तुम्हारे साथ प्रॉमिस था कि तुम्हारे घर की महफिल मैं सजाऊंगा और तुमने अच्छा नहीं किया। तो बहरहाल कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझसे गलती हुई कि मैंने पहले मिलाद अरेंज कर ली और फिर बाद में मैंने जुल्फ़िकार भाई को नोटिस दिया या इनविटेशन दिया माजरत के साथ, लेकिन डांट पड़ी उनसे। मुझे खुशी भी हुई, दुख भी हुआ, लेकिन उस वक्त भी मैंने यही उनसे कहा कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे, महफिलें होती रहेंगी, ज़िंदगी चलती रहेगी, आपका साया हमारे सर पे अल्लाह ताला सलामत रखे। बहरहाल तसद्दुक भाई ने हमें ज्वाइन किया है कनाडा से, थैंक यू सो मच। अपने पार्टिसिपेंट कैंडिडेट को वेलकम करती हूँ मैं पहले, और अलीना शहजाद मेरे साथ हैं, अलीना को लेते हैं, फिर सेकंड गेस्ट को हम लेते हैं अपने साथ। और अलीना वेलकम ऑन माय शो, नो शो, डोंट शो। अलीना अपना बैकग्राउंड सही करो जानी। थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच अताज, थैंक यू, आई लव यू। बच्चों तुम लोग मेरे लिए जाग रहे हो और तुम लोग मेरा शो देख रहे हो। मूसा भाई, मूसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मूसा भाई, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल हैं आपके? थैंक यू सो मच कि आप मुझे देखते हैं। माशाल्लाह आपका शो बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देता है। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आपका आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। मी ऑल्सो ओके सदीमा फैसल, थैंक यू सो मच यू आर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू सो मच वर्दा आंटी। वेयर इज अलीना, प्लीज रिप्लाई। ओके आई विल रिप्लाई यू, वेट वेट। अलीना की जो कंडीशन है इस वक्त बैकग्राउंड की, वो इस काबिल नहीं लग रही मुझे कि मैं शो करूं, और मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इनका, उसामा साहब आज मेरे साथ हैं, उसामा जाहिद साहब। ये मुझे कहाँ से ज्वाइन किए हैं, मैं इनको ज़रा चेक मारूँ। गुजरावाला से इन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। उसामा आप नाराज़ ना हो, काइंडली आप वापस आ जाइए ब्रॉडकास्टिंग में, मैं आपको लेती हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू तवील हो गई आज के लिहाज से,
ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं, तो उसामा आ चुके हैं। पहले हम उसामा को लेते हैं, फिर आफ्टर दैट अलीना को लेते हैं। उसामा को वेलकम करते हैं गुजरांवाला से, और अस्सलाम वालेकुम वेलकम उसामा। करते हैं गुजरांवाला से और अस्सलाम वालेकुम हेलो उसामा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उसामा। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उसामा, आवाज आ रही वालेकुम है आपको? मुझे आवाज आ रही है? अस्सलाम आपकी वालेकुम। आवाज आ रही है मुझे। अस्सलाम ओके वालेकुम। ओके सॉरी सॉरी, मेरा वालेकुम हेडफोन लगा, सॉरी सॉरी। कैसे हैं उसामा ओके आप? ओके सॉरी, मेरा हेडफोन लगा। ओके कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ठीक है। उसामा कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? उसामा कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? गुजरांवाला? मैं गुजरांवाला से ताल्लुक है मेरा। गुजरांवाला? ओके उसामा, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। ओके उसामा, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। बस आप मुझे आइए, आपकी जवाब बात आवाज़ का प्रॉब्लम तो नहीं? आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है। तो आप बोलते रहिए, मैं आपको सुन सकती हूँ, मुझे भी आपकी आवाज़ आ रही है। आप स्टॉप क्यों हो गए? आप बोलते रहिए। तो आप, मैं आपको सुन रही हूँ, मुझे भी आवाज़ आ रही है। आप स्टॉप क्यों हो गए? आप बोलते रहिए। बिल्कुल गुजरांवाला ताल्लुक है हमारा, और आज़म चिश्ती साहब के हम शागिर्दों में से शागिर्द हैं। एक मिनट रुके, मैं जरा सा साउंड क्लियर करूं। एक मिनट रुके, जरा सा साउंड क्लियर करूं। अब ठीक है मेरी आवाज? अब चेक करें आप लोग। अब ठीक है उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक यार, ये बिल्कुल ठीक। उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है उसामा, आप बताइए, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। आप मुझे उस वक्त आवाज कट रही थी तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी। ठीक, बताइए, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। उस वक्त आवाज कट रही थी तो पब्लिक समझ में नहीं। उसामा, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस है, या फिर आप, मैं अलीना को उसामा, लेती हूँ। अलीना, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस है, या फिर आप? अस्सलाम वालेकुम अलीना, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल सही आ रही है। जी ओके अलीना, हाउ आर यू? फाइन। फाइन अलीना, थोड़ा सा कैमरा अपना नीचे की तरफ करो, आपका बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, आप कम आ रहे हो। यस, ठीक है।
ओके अलीना हाउ आर यू और कौन सी क्लास में पढ़ते हो अलीना? मैं क्लास फोर में फोर पेंजीज में पढ़ती हूँ। और बताओ लॉकडाउन में कैसी स्टडी जा रही है, स्टडी कर रहे हो? जी यू आर लुकिंग सो क्यूट ना, तैयारी करके बैठे हो? जी है ना, बड़े कपड़े सपड़े पहन के आराम से दुपट्टा वट्टा प्रिपेयर करके। ओके अलीना क्या प्रिपेयर किया आज के लिए, क्या तैयारी किया है? मैंने नाच, मैं आप लोगों को आज नाच सुनाऊंगी, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। वाह जबरदस्त, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे ताकि आप थोड़ा सा कूल हो जाओ। आपकी पता है आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आपको देख रहे हैं, यू नो? जी जी आपको आपको देख रही हैं, शताज देख रही हैं आपको, सदीमा बाजी देख रही हैं आपको, वर्दा फैसल आपको देख रही हैं, और सबा आंटी आपको देख रही हैं, एंड फरा आपको देख रही हैं, एंड दे ऑल आर गिविंग यू बेस्ट विशेस। सबा आंटी आपको बोल रही हैं माशाल्लाह लीना बेटा लुकिंग प्रिटी, लुकिंग क्यूट माशाल्लाह। और आपको मेरे भाई भी देख रहे हैं जर्मनी स्टूडियो से अजहर के यानी साहब आपको बोल रहे हैं माशाल्लाह। तो कुछ बोलोगी आप हमारे स्टूडियो के लिए, हमारे चैनल के लिए कुछ कमेंट करोगे? मैं ये कहूंगी कि आपके ये आप जो प्रोग्राम कर रही हैं वो बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत से बच्चों को पार्टिसिपेट करके बहुत सारी नॉलेज मिलती है। यस ऑन से ये आप सारी वाओ अच्छा अभी आपकी फ्रेंड्स आपको मैं आपके साथ कॉल पे लूंगी ताकि आपको मैं आपके साथ कॉल पे आप स्केयर्ड तो नहीं हो रहे हो मेरे से, ताकि आप आंटी से डर तो नहीं लग रहा? नहीं ओके डरना भी नहीं चाहिए यार, क्यों डर रहे हो, डरना भी नहीं चाहिए ना। ओके तो आपकी फ्रेंड चाहिए यार। जी क्यों डर रहे हो, डरना भी नहीं चाहिए। अच्छा दो बच्चे अलीना आप मुझे कॉल कर रही थी बहुत खुशी के लिए, कौन मुझे कॉल कर रहा था? दो अलीना एंजल मुझे कॉल कर रही थी, एंजल आप मुझे दोबारा कॉल करो, मैं आपकी बात करवाती हूँ और आप बेस्ट विशेस दे सकते हो अपनी फ्रेंड को यहाँ पर बहुत खुशी के लिए। अलीना आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हम अंकल से बात करें? ठीक है ठीक है। जी उसामा अब आप बोलिए। अलीना हम अंकल से बात, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलीना आपको एक बात बताऊँ, आपकी टीचर्स हैं ना मिस सादिया हैं, बाकी सारी टीचर्स हैं आपकी, आपको एक बात बताऊँ आपकी टीचर्स हैं ना मिस सादिया हैं बाकी पता है आंटी की जो टीचर है ना वो भी आपको देख रही हैं, शी सेज माशाल्लाह शी आंटी की जो अच्छा शी इज वाचिंग फ्रॉम यूएसए वो भी आपको देख रही हैं, शी सेज ठीक है। आपकी एक फ्रेंड की कॉल आ रही है उसको लेते हैं, देखें वो आपके लिए क्या कहती है। हेलो लेते हैं देखें, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अच्छा हेलो सलाम अलैकुम। Who is calling? Hello, आप बोलो आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप?
क्यों कॉल किया आपने सताज? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ओके, आवाज आ रही है आपको अलीना जी? आपको शताब्दी की आवाज आ रही है जी? शताब्दी की आवाज बेस्ट विशेस दो आवाज आ रही है जी? थैंक्स शताज, थैंक यू शताज। ओके अलीना, अब हम बात करेंगे अंकल से, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और अभी फिलहाल मैं किसी की कॉल नहीं लूंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अभी मुझे फिलहाल कोई कॉल नहीं करना बच्चा, ठीक है? अब सॉरी सॉरी, क्या नाम है, उसामा, आपको मैंने वेट करवाया, अब आ जाते हैं आपकी तरफ। उसामा म्यूट ओपन करिए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उसामा, आप अपना म्यूट ओपन कीजिए। व्हाट द हेल इज अलीना, आप जी स्टार्ट ले ना, क्या प्रिपेयर करके आए हो? उसामा अंकल तो बार बार आना जाना कर रहे हैं, फिर मैं मैसेजेस पढ़ूंगी, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा एंजल बेटे, मैं आपकी कॉल लेती हूँ, आप रुको वेट करो, आप मुझे नाच सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول رسول الله يا الله يا حبيب الله يا حبيب एक मिनट आप रुको, स्टॉप करो अलीना। अगर पीछे आपके कोई मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहा है तो उसको बोलो थोड़ा सा आपसे फार जाए, थोड़ा सा दूर जाए, आवाज इको होती है। जब दो मोबाइल एक साथ यूज हो रहे होते हैं तो उसकी आवाज पलट के आपकी इस इधर आ रही होती है। अगर कोई यूज कर रहा है तो उनको बोलो थोड़ा सा दूर चले जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। और अब आप शुरू करो स्लो स्लो करके, जैसे आंटी ने आपको शाम में समझाया था ना, इस तरह से आपने बात करनी है। ओके, मैं अपना भी माइक ऑफ कर रही हूँ इस वक्त, अब आप स्टार्ट लोगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ميتھا ميتھا ہے میرے محمد کا نام ميتھا ميتھا है मेरे मोहम्मद का नाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम वक्त या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर और खड़ी हो के रोजाए सरकार पर पेश मिलकर करें हम दुरूद ओ सलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो ही हसनी हुसैनी जामन के हैं फूल वो ही हसनी हुसैनी जामन के हैं फूल नूरे मौला अली जाने जहरा बतू जिनके नाना रसूल खुदा दीमा का उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम
मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नामा कहाँ के बने हैं वही तो मकी, नामा कहाँ के बने हैं वही तो मकी। जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी, जो खुदा से हुए अर्श पर हम कलाम। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शाहे कौन है न वो रूहे दार है न वो, शाहे कौन है न वो रूहे दार है न वो। फखरे हसनैन वो गौसे सकलैन वो, जिनके दर का है हाफिज भी अदना गुलाम। उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मुस्तफा का नाम। मीठा मीठा है मेरे अहमद का नाम, मीठा मीठा है मेरे आका का नाम। मीठा मीठा है मेरे मुर्शदी का नाम। सदक अल्लाहुल्लाजीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा पढ़ा अलीना आपने। और किसने प्रैक्टिस कराई आपकी? बहुत नहीं नहीं प्रैक्टिस किसने करवाई, किसने करवाई? मम्मी ने। मम्मी ने, ओके। मम्मी आपकी हेल्प करती है ना? जी। नाचवानी में हेल्प करती है ना मम्मी? जी। ओके, आप मेरे साथ रुकना चाहोगे ना भी? जी। ओके, आप बैठो, मैं अंकल से बात करती हूँ। उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप डोंट गेट डाउन। नो उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ओपन कीजिए। हेलो उसामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। सबा कहती हैं सुभान अल्लाह, और मिस शनीला कहती हैं माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स का और मेरी वीडियो को देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। उसामा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक ओपन कीजिए। सामा के साथ कुछ इश्यूज हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, जब तक मैसेजेस पढ़ते हैं अलीना, ठीक है? आपके पास मैसेजेस शो हो रहे हैं? मैसेजेस शो हो रहे हैं आपके पास अलीना? आप मेरे साथ होस्टिंग करोगे? जी। ओके, आप देखो मैसेजेस अगर आपके पास शो हो रहे हैं तो आप मुझे पढ़ो। अपनी फ्रेंड्स के मैसेजेस पढ़ सकते हो आप, उनको थैंक्स बोल सकते हो आप। आप पढ़ो जब तक। अच्छा जी, रोक लेती है आपकी निस्बत। अच्छा जी, यहाँ पे एक
ओके आरिफ गौर साहब, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू सिंग दिस रिसाइट दिस नात। आप थोड़ा सा वेट करें, रोक लेती है आपकी निस्बत, ये करम है मेरे मुर्शिद का। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी। हाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ी बिल्कुल। उसामा आप आगे करें, रोक लेती है आपकी निस्बत, ये करम है मेरे टू। हाँ माशाल्लाह से बहुत। उसामा आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपकी पिक्चर भी आ रही है। आप साइलेंट ना रहें, आप बात करते रहें प्लीज। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपकी पिक्चर भी आ रही है, प्लीज। चले मैं ठीक है, आप बात करें, मैं ठीक हूँ। आप खामोश ना रहे उसामा, आप बोलते रहिए प्लीज। उसामा आप क्या सुनाना चाहेंगे, आप मुझे बताएंगे प्लीज? आप मुझे बताएंगे प्लीज? आपको आजम आज सुनाऊंगा। ओके आप स्टार्ट लीजिए उसामा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर मैं वो नाशी पढ़ता हूँ। ओके आप, यस वी कैन हेयर यू, आप स्टार्ट लीजिए, आप स्टार्ट लीजिए। शब्बे असरा
लिए दो चार कदम अर्श बरी उसामा, आई थिंक आपके नेट में थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से आपकी आवाज भी कट कर आ रही है और आप थोड़ा सा ठहर ठहर के भी बोल रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट ना लाइफ पे कीजिए। नेट आप थोड़ा सा ठहर ठहर के भी बोल रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट ना लाइफ पे कीजिए। और अच्छा जी, अलीना पे आ जाते हैं। हेलो अलीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। अलीना पे आ जाते हैं। अच्छा अलीना, आप मैसेज पढ़ो मेरे साथ, सही आ रही है? ओके, एक मैसेज पहले मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? आप लोग वेट करो। अच्छा, आरिफ गौहर साहब फरमाते हैं, पापा मेरे क्या मैसेज? आरिफ गौहर साहब फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद पाक का फरमान है, दुनिया में हर चीज को साफ करने का कोई ना कोई आला है, मगर दिल को साफ करने का आला हथियार इसमें जात अल्लाह है। समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, दुनिया में हर चीज को साफ करने का कोई ना कोई आला है, मगर दिल को साफ करने का आला इसमें जात अल्लाह है। बेशक बजा फरमाया आपने, इसमें जात पाक करने का तरीका और रूहानियत हासिल करने के लिए आप इनकी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं और कमेंट्स में आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह, आरिफ गौहर साहब फरमाते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, और बहुत अल्लाह पाक दूरियां नसीब फरमाए हैं अल्लाह पाक। अच्छा जी अलीना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? अलीना आपको मैसेज पढ़ना है, आपको अपनी फ्रेंड का कोई मैसेज पढ़ना है। मिस्टर वेटिंग फॉर योर आंसर। जावेद बर्ड साहब हमें देख रहे हैं। जावेद बर्ड साहब, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे लाइव के बाद कांटेक्ट करती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको अपने लाइव में लूँ। आपसे मेरी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल, आई विल कॉन्टेक्ट यू। ओके, तो डोंट वरी। अच्छा जी, नेटवर्क शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉमेंट। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो नेटवर्क इशू नहीं है। आई थिंक के उसामा के पास नेटवर्क इशू चल रहा है। फिर उसामा साहब चले गए हैं। ओके उसामा, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह अलीना शहजाद, शहजाद
माशाल्लाह अलीना शहजाद, शहजाद साहब कहते हैं माशाल्लाह अलीना शहजाद। अलीना आप मैसेज पढ़ना चाहोगे मेरे साथ? हमें को जी। ओके ट्राई टू रीड। फरा खान कह रही है माशाल्लाह। फरा खान कह रही है माशाल्लाह। और हबीब बलोच कह रहे हैं उसामा भाई को कल इनवाइट कर लेना। ओके हबीब भाई इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपकी बात पे अमल करने की। और अभी मैं फिलहाल क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे एक फरमाइश हुई है नाच की और वो मुझे मतलब परफेक्ट मैंने रिपीट नहीं की है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये उसामा आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आ गए उसामा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके अलीना आपने कुछ और, आपको छोटा मोटा और कुछ नाच याद है छोटी सी कोई ऐसी? आप अगर जी बिल्कुल आ रही आवाज आपकी और प्रोग्राम के साथ, तो फिर आप मुझे कुछ और भी सुना सकते हो, कोई दुरूद शरीफ सुना दो, कुछ और सुना दो। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम व सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी यहाँ पे गौर साहब ने फरमाइश की थी, वेरी गुड अलीना। फरा खान कहती है वेरी गुड अलीना। अलीना आप ऐसा करो मैसेजेस जो आ रहे हैं ना वो आप पढ़ोगे ठीक है, और गौर साहब ने फरमाइश की थी रोक लेती है आपकी निस्बत, तो कोशिश करती हूँ जितनी जितनी लाइंस मुझे याद हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ यहाँ पे। रुक लेती है आपकी निस्बत, तीरे जितने भी हम पे चलते हैं, रुक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है गौहर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, और अब कोई क्या लगाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभल लेते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभल लेते हैं।
लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अलीना सुभान अल्लाह तो बोल दो आंटी के लिए। सुभान अल्लाह। ओके थैंक यू। अच्छा जी आरिफ भट्ट साहब ने, हाँ मुझे आरिफ भट्ट साहब ने फरमाइश की थी, और वो पीछे उसामा का माइक और वीडियो जो है बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। आज उसामा साहब मेरे साथ थे तो वो नहीं कर पा रहे थे। उसामा फिर आए हैं, अब देखते हैं उसामा क्या मसले हैं आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ। और ताहिर जमील कादिर साहब मुझे देख रहे हैं। ताहिर आज मैं तुम्हें लाइव ले लेती भाई, यू हैव आल्सो ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच ताहिर, यू वांट टू जॉइन विद मी, आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मिस शनीला, हमेशा की तरह लव यू बड़ा सारा, और कोशिश करती हूँ कि मैं ताहिर को लाइव में लूँ। आज ताहिर मेरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अगर होपफुली अगर वो आ सकते होंगे तो। अलीना आप मेरे साथ रहना, आपको सैरी तो नहीं करनी अलीना? नहीं। अच्छा जी आप लोग फरमाइश कर सकते हैं अलीना से छोटी सी कोई नात अगर आप लोग सुनना चाहते हैं अलीना की आवाज में, तो आप लोग फरमाइश कर सकते हैं। अलीना बड़ा मैंने कॉन्फिडेंस होके तुम्हारे लिए बोल दिया भाई, बता लेना। ओके आई विल गिव मी 5 मिनट। ओके 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 आई एम वेटिंग फॉर यू, नो इशू, मैं वेट कर रही हूं। 4 बजे खत्म हो जाएगा तब करो। अलीना आपको सैरी करनी है, आपको सैरी करनी है इसे नियर जी, आपको सहरी करनी है जी। अच्छा आप कैमरे पे नहीं रहोगी, मैं आपको यहाँ से कैमरे पे जस्ट म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? मैं आपको ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, आप आई जस्ट म्यूट योर वीडियो, ठीक है? आप सहरी करो और वापस आओ, मैं आपका वेट, ठीक है? ठीक है आप सहरी करके आओ, मैं जस्ट आपको म्यूट कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ मैं आपका। ओके जल्दी से भाग के जाओ, सहरी करके आओ कोई, और अच्छी वाली सहरी करनी है, ऐसा नहीं कि फिर बीच में रोजा लगे। और आ जाना, धोखा नहीं देना मुझे, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर। अच्छा जी अलीना को करनी चाहिए, और अलीना के पेरेंट्स पीछे से कॉल दे रहे थे लेकिन शी रिफ्यूज हर, मैं रिफ्यूज हर, तो मदर को वो मुसलसल रिफ्यूज करी थी और मैंने वो सुन लिया, और अलीना गई है सैरी करने। तो अलीना ना सुनाओ, फरा अलीना नाच सुनाएंगी, बिल्कुल सुनाएंगी, फरा अलीना की दोस्त है और उनको सपोर्ट। तो जी अलीना और बहुत खूब, अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच अजीम शाह, अजीम शाही साहब, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। और जब तक आप लोग मैसेजेस सुन पढ़ती हूँ मैं आपके लिए, प्लस मैं आप लोगों के लिए कहाँ गया मैसेज मेरा, ये रहा। अच्छा जी आप लोगों के लिए जुल्फ़िकार भाई की नाच प्ले करते हैं बैकग्राउंड पे, और क्यों आता है पल में है।
अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बड़ी इमरजेंसी में ले लिया आपने मुझे। इमरजेंसी में? हाँ इमरजेंसी में, छोटे भाइयों को इमरजेंसी में ही पुकारा जाता है। जी ऐसे ही है, वो भी आपकी लक है। मैं इस टाइम फ्री था बिल्कुल, और मैंने कहा आपका शो कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि आपका किसी आपने किसी को मेहमान लिया था और किसी टाइम मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जी अब अब सही है, अब बेटर है, अब बेटर। जी आप किसी को उसामा उसामा कह रहे थे तो मैं अचानक अभी फेसबुक ओपन किया सहरी करके, तो मैं आप ही ओपन करते ही आपका ही सामने आया, तो मैंने कहा देखते हैं क्या करेंगे, और वो आप तब कह रहे थे उसामा किधर रह गए, उसामा किधर, मैंने कहा चले कमेंट कर देते हैं। माशाल्लाह आपने नाक बहुत प्यारी करी। पूरे शो में उसामा को मैंने इतना याद किया, उसामा इतना याद किया कि उसामा जो जो उसामा है ना उनको हिस्सियां लगी हुई होंगी। जी नहीं, वो छोटी प्यारी सी बच्ची थी आपके शो में, मैं तो उस हाँ, देख रहा था, वो तिलावत भी की है उसने। हाँ असल में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि हमने यहाँ पे जहान टीवी अपना देसी रेडियो स्टेशन की तरफ से एक एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, वहाँ पे हम छोटे बच्चों से नाते पढ़वाएंगे इस पूरा वीक, और फिर उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जर्मनी स्टूडियो की तरफ से। तो इस वजह से वो बच्चे मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला लास्ट में हम क्या करेंगे उनका फाइनल रखेंगे, और मेरे सारे जर्मनी के जितने भी को होस्ट हैं और स्टूडियो से फिर वो मुझे ज्वाइन करेंगे और वो जजमेंट के प्राइज अदा करेंगे। ताहिर आप स्टार्ट लो, आप क्या सुना रहे हो अपनी आवाज में मुझे आज? ताहिर ये जुल्फिकार भाई की वाली नाच सुना दो प्लीज मुझे। मैं आपको एक खम सुनाता हूँ स्टार्ट में। कौन सी? ये हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, पढ़ सकोगे? कौन सी वाली नात? हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। चले मैं ये सुना देता हूँ। जी जी मैं सुनाता हूँ। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तरस की वहीं रह गए, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफे दवा, वो सलाते सुकून आफरीन रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शाम व सहर, वो सुकून दिलो जान वो रूह न है,
ये उनका करम है, उन्हीं की आता एक कैफियते दिल नशी रह गए, दिल वही रह गया जहाँ वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसामा, एंड बड़ा क्लासिक किया आपने, बड़ा अच्छा जोड़ा जी। अलीना हमारे साथ वापस आ चुकी हैं जी, उसामा कुछ कह रहे थे। जी उसामा आप चेक करें, आपकी आवाज आ रही है? आपसे लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। जी आ रही है आवाज आपकी? मेरी तो आवाज आपको आ रही है, आपकी आवाज भी हमें आ रही है, आप बोलते रहिए और कोशिश करें कि कोई छोटी सी नात जो मतलब कोई फेमस हो थोड़ी सी वो आप सुनाने की कोशिश करें हमें, ताकि आप प्रोग्राम का हिस्सा रहें। मुझे पहले पता लगे तो मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है, आप साइलेंट मेंबर की तरह से पार्टिसिपेट करें, आप बोलते रहो, आपकी आवाज आ रही है। असल में मैंने सिस्टम सारा चेंज किया है, पहले शायद प्रॉब्लम थी मेरी आवाज में, अब मैंने चेंज करके बंद करके दोबारा देखते हैं। ओके ओके हेलो अलीना वापस आ गए हो, सही किया आपने जी जी। मैसेजेस अब आप पढ़ोगे अलीना, आप देखो आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए क्या क्या मैसेजेस दिए, और ताहिर आपके लिए बच्चियां कमेंट्स कर रही हैं। माशाल्लाह ताहिर अंकल बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू फरा, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच एवरीवन जो मुझे देख रही हैं बच्चियाँ, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर आपके लिए बच्चों के बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं आपकी आवाज़ को, आप पढ़ सकते हो बच्चियों के मैसेज। थैंक यू सो मच, इतना फीका सा सो मच किया तुमने ताहिर। जी मैं बोलूं इतना फीका सा सो मच किया तुमने, बच्चियां इतनी एक्साइटेड हैं तुम्हें देख के, आपको पता अलीना मैसेज पढ़ो आप, आपकी आवाज थोड़ी कट कर रही है। अजीम शाही मैं तो पंता गुलाम हूँ, प्लीज सुनवा दे। अजीम शाही कहते हैं मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, प्लीज सुना दे, कौन पढ़ेगा आप उसमें से? ताहिर अंकल नाच सुना दे, फरा खान का मैसेज है आपके लिए ताहिर, आपके लिए उसामा भाई से भी आप लोग फरमाइश कर सकते हो, उसामा आप अगर सुन रहे हो तो आप मुझे क्या सुनाना चाहेंगे उसामा? आप जी जी आप सुना देंगे हमें मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ? हाँ मैं सुना दूंगा। जी सुनाइए, थोड़ा सा माइक अपने करीब ले आए ताकि आपकी आवाज सुन सके। मैं तो पर जेता
गुलाम है, मैं गुलाम इब्ने गुलाम मैं तो पर के तन का गुलाम, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए, महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पर तन का गुलाम हुआ, कैसे तन से वो सरी जुदा, जहां इश्क हो वहीं करीबला मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो की जात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वो ही जिनको आले नबी कहे, वो ही जिनको जाते अली कहे, वो ही पुख्ता है मैं तो फाम हूँ, मैं तो पर अल का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पर जे तन का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगी नेटवर्क इशू का और अल्लाह ताला का कि वो हमारी ट्रांसमिशन को उन्होंने बेहतर फरमाया और आपकी आवाज़ हम सुन सके, और बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैसेज पढ़ते हैं एक, मेरे मुर्शिद पाक का फरमान है, आरिफ गौर साहब फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद पाक का फरमान है, शरीयत और तरीकत दीन इस्लाम के दो पर हैं, शरीयत और तरीकत दीन इस्लाम के दो पर हैं, जिस तरह परिंदे परिंदा एक पर से परवाज नहीं कर सकता, नहीं आ रहा, इसी तरह कोई इंसान एक इबादत प्रेस के नहीं जरिए आ रहा। मैं इस मैसेज को दोबारा पढ़ूंगी क्योंकि पीछे से साउंड बड़ी खतरनाक सी आ गई थी। आरिफ गौर साहब फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद पाक का फरमान है, शरीयत और तरीकत दीन इस्लाम के दो पर हैं, जिस तरह परिंदा एक पर से परवाज नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इंसान एक इबादत के जरिए अल्लाह की जात को नहीं हासिल कर सकता। तो मीन टू से के जिस तरह नमाज जरूरी है, इस तरह जिक्र कल्बी बहुत जरूरी है, जिस तरह जिक्र कल्बी जरूरी है उस तरह नमाज का बहुत कायम करना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों पर नहीं होंगे परिंदा परवाज नहीं कर सकता, तो नमाज जो कायम करें उनके लिए जिक्र कल्बी बहुत जरूरी है, जो जिक्र कल्बी हासिल करें उनको नमाज पे फोकियत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ गौहर साहब, आप मेरे साथ डेली मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और मेरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
शनीला बाबर कहती हैं सुभान अल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 4:12 हो चुके हैं और आज कराची में हमारा सहरी का टाइम है 4:17। और अलीना सहरी कर ली जी, आपने सहरी कर ली, फर्स्ट क्लास वाली, पानी पी लिया जी? ठीक है। अच्छा जी, अलीना ने आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और अलीना की बहुत सारी फ्रेंड्स देख रही हैं और मुझे देख रहे हैं, सैयद मोहम्मद जफर, और थैंक यू सो मच जफर साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। अफजल साबरी भाई मुझे देख रहे हैं, अफजल साबरी भाई तारीफों के मोहताज नहीं, अफजल साबरी कवाल, कवाल इंडस्ट्री का क्या बोलूँ मैं, कवाल से ताल्लुक रखने वाले माशाल्लाह से बेहतरीन आवाज के मालिक अमजद साबरी भाई के बाद अफजल भाई जो हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दराज फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी के साथ हमारे सरों पर कायम दायम में रखे। आपको अफजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने का, आपके कमेंट करने का। और आप लोग जानते ही होंगे उसामा ताहिर अफजल भाई को जानते ही होंगे आप लोग, जी जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उनको सुनता भी बहुत ज्यादा, सुनते भी बहुत हैं। हाँ वो सुनने वाली चीज है क्योंकि जब वो बोलते हैं माशाल्लाह से तो बस उन्हें ही सुना जा सकता है, हमारी जी तो जी, क्या औकात है। बड़ी खुशी हुई, उनका एक कलाम है, कलाम है मेरे सरकार में ये बात बनाए रखना। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन उनका ये कलाम है, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनका एक मुर्शिद से जी, भी बड़ी अच्छी कवाली है, बड़ा अच्छा कलाम बहुत खूब निभाया हुआ है जी 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 ऐसे ही है। और हमारे अच्छा पाकिस्तान जी का बड़ा मैसेज नाम है, जैसे साबरी साहब के बाद अगर किसी ने साबरियों में नाम जी, किया जी, तो अब अफसल साबरी साहब। बिल्कुल, और ये वही वाली बात है कि ये स्टैंप लगवा के ऊपर से आप लोग और साबरी अमजद साबरी जैसे लोग और अफजल साबरी जैसे लोग दुनिया में आए, इसे स्टैंप लगा के दुनिया में भेजा गया है कि इनको अल्लाह ताला की हमदोसना करनी है और हमें हमारे रूहों को और हमारे कल्बों को मुनव्वर करना है इस मिजाज से। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ही देखने और सुनने वालों का, अलीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और आप कुछ कहना चाहोगी प्रोग्राम के हवाले से? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। और अपनी फ्रेंड्स से कहना चाहोगे? अलीना बोलो। और हम मेरी दुआ है कि आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा आगे जाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मेरी भी दुआ है कि आप सारे बच्चे विन करो, आप सारे ही बच्चे जीतो, और हमारे जो स्टूडियो से आपको देख रहे हैं तमाम अजहर भाई, तसद्दुक भाई और राजा नासिर भाई, सलीम भट्ट साहब, तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म निकाला और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें तौफीक दी कि हम इस तरह की अरेंजमेंट कर सकें। अलीना के पास कोई इंसेक्ट आ गया एंड शी वाज स्केयर्ड। क्या हुआ अलीना, डरपोक लड़की? चलो अलीना आप नमाज की तैयारी करो, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए जागने का इतनी लेट नाइट, और थैंक यू सो मच अगेन तुम्हारे आने का, आपके यहाँ पे बैठने का, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी, बहुत तैयार होके बैठी मेरा बेटा, वेल ड्रेसिंग हर तरह से हर लिहाज से,
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला अब फाइनल में मुलाकात होगी। ओके ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाक अल्लाह, बाय बाय। ओके अच्छा जी, हाँ ताहिर, आपने देखा अलीना एक्साइटेड, अलीना की एक्साइटमेंट। जी, माशाल्लाह बच्ची की एक्साइटमेंट नजर आ रही है। वो पूरा तैयार होके बकायदा गेटअप करके माशाल्लाह से बैठी है। हाँ माशाल्लाह 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 से बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट है भाई। सुबह से जो मैसेजेस आने शुरू होते हैं, सुबह से जो चिट चैट शुरू होती है, तो फिर वो 12 बजे के बाद जब तक पोस्टर उनका चला नहीं जाता उनके उनके व्हाट्सएप पे, और उनके उनको मैं पीएम नहीं कर देती, उस वक्त तक मेरी जान नहीं बख्शी जाती। तो माशाल्लाह से सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, और अच्छी भी बात है। देखें कार्टून नेटवर्क और ये वो इधर उधर की चीज़ें, अला बला लूडो, और ये लॉकडाउन है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो बच्चों के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी निकालना कि हम अपने बच्चों को इस्लाम और दीन से रुजू करा सकें, इस्लाम और दीन के करीब ला सकें। तो जहाँ अगर 15 घंटे वो अलग स्पेंड कर भी रहे हैं, 12 घंटे, तो वो 1 घंटा कम से कम तो है। ऐसे मौके मिले तो बच्चों में शौक फिर ज्यादा होता है। बिल्कुल, और असल में इनको ये लॉकडाउन में एक पॉलिश भी हो रहा है। जब इनके स्कूल में कोई एक्टिविटी होगी या घर में कोई महफिल होगी, तो कम से कम एटलीस्ट छोटे मतलब छोटे छोटे नाते या दो दो तीन तीन लाइन आप पढ़वा सकते हैं। ताहिर आप कंटिन्यू करो, आप बात करो सामने से, मैं जरा पानी पी लूँ, मेरे पास रोजे का टाइम हो गया है। जी, आपकी खजूर और पानी का वक्त है, आप जल्दी पहले वो कर लें। जी सलाम अलैकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी माशाल्लाह। जी सामू भाई, कहाँ से आप? किस? अब चलिए, मेरा और आपका तो फर्स्ट टाइम है। मैं दुबला वाला से हूँ, दुबला वाला शहर। आवाज आ रही? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। हाँ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया मेरे जाने के बाद, मेरी खजूर के पीछे पड़ गए तुम लोग सारे। आजकल वो खजूर भी मुझे नसीब नहीं हो रही। नहीं, मुझे मुझे, मुझे मुझे वो आपकी शहर की याद आ गई थी पुरानी, लास्ट टाइम वाली। मैंने कहा पास इस टाइम एक खजूर और एक पानी का गिलास पड़ा होगा कि टाइम होने वाला, बस जल्दी खा लूं मैं। आजकल वो नहीं मिल, खजूर खाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम पीछे की तरफ आ गया है। हमने स्टार्ट लिया था कहीं से, और अब 4 बजे मेरे ख्याल में 17 मिनट पे हमारी सैरी खत्म हो रही है कराची में, 4:17 पे। तो वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो मैं एक खजूर भी लूँ, लेकिन इट्स ओके, चल जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है अच्छा खासा। अच्छा जी, ताहिर शो को एंड की तरफ लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच कि मेरी इतनी अलर्ट नोटिफिकेशन पे आप आए और मेरे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। उसामा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको नेक्स्ट, बड़े इश्यूज हैं उसामा के लाइफ के साथ, लाइफ और लाइफ दोनों के साथ इश्यूज लग रहे हैं मुझे आज, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। उसामा बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, आप मेरे प्रोग्राम में आए। सॉरी, उनका नेट का भी इशू है, आ गए जी, नेट का इशू है। उसामा नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा लेती हूँ। हमारे यहाँ पे फजर की अजान का टाइम हो गया है, और ठीक है मैडम, मैं आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा लेती हूँ, ठीक है? और आरिफ गौर साहब,
फरमा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब और बेस्ट शो है आपका। थैंक यू सो मच, और तमाम ही देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इन बच्चों की वोटिंग भी होगी, इन लास्ट बच्चों में को एक वोट कमेंट भी आया किया जाएगा। था, सॉरी, एक कमेंट रीड कर रहा था मैं कि माशाल्लाह सुभानल्लाह ताहिर अंकल, मैंने तो भी अंकल कब से हो गया, मैं बड़ा खान का। शायद मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी आपकी आवाज़, मुझे आई नहीं, समझ नहीं आई जी, आप सुन लीजिएगा। मुझे, आपकी आवाज़ कम आ रही ताहिर। जी मैं कह रहा था, मैं आगे फराह खान का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हुआ था माशाल्लाह बहुत खूब अंकल ताहिर, मतलब मेरे लिए हैरान हुई कि यहाँ तो मैं बड़ा हो गई हूँ, वो छोटी है काफी। ताहिर प्रोग्राम का एंड करते हैं। उसामा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर क्यूट से छोटे से भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतनी आपको आवाज अलर्ट नहीं आ रही? नोटिफिकेशन पे आए। ठीक है, प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं, नमाज का टाइम हो गया यहाँ पे, और मेरी आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम को एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई सहरी, नई सुबह के साथ, नए रोजे के साथ, नई ट्रांसमिशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, प्रोग्राम को, मेरे लाइफ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये ट्रांसमिशन शेयर होगी और फिर ऐसा है कि बच्चों के जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उस हवाले से वोटिंग भी होगी, इसको पूल भी किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, बच्चों को अप्रिशिएट करें, ताकि उनमें दीन से रुझान पैदा हो, दीन की तरफ आने का जज्बा पैदा हो, नातख्वानी का जज्बा पैदा हो, गानों और बजानों की दुनिया से, गेम्स की दुनिया से, कार्टून नेटवर्क की दुनिया से बाहर निकलकर वो इस्लाम की तरफ वापस आएं। और छोटा सा एक कोशिश है मेरी कि तमाम ही बच्चों को, तमाम ही अपने आने वाली नई जनरेशन को इस काम में लगाया जाए, और इस काम में, इस नेक काम में मेरी हेल्प करनी है आप सबने। और अपना ख्याल रखिएगा, चलते हैं, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। और तमाम ही मैसेज करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम ही देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।